नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि फोनपे ऐप से बिजली का बिल कैसे जमा करते हैं, अपने ATM कार्ड का इस्तेमाल करके फोनपे ऐप से बिजली का बिल कैसे जमा करें, अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों, फोनपे ऐप से बिजली का बिल जमा करने के लिए फोनपे ऐप्स को ओपन करते हैं। अगर आप फोनपे ऐप्स में अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किए हैं तो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फोनपे ऐप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको बिजली का बिल जमा करना है तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, मोबाइल रिचार्ज, DTH और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस इलेक्ट्रिसिटी वाले आइकॉन पे। अब यहाँ पे आपको डालना होगा अपने कंपनी का नेम, आपकी बिजली जिस कंपनी से आती होगी उस कंपनी का आप यहाँ पे नेम डालिएगा। चाहे तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं उस कंपनी का नेम, जिस कंपनी का आपका बिजली कनेक्शन है उस कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। मेरा बिजली कनेक्शन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में है तो यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना CA नंबर डालना होगा। CA नंबर दोस्तों बिजली के बिल पे लिखा हुआ होता है। अगर आपको अपना CA नंबर नहीं पता है तो आप पिछली बिजली के बिल जो जमा किए होंगे उस पे आप देख लीजिएगा। CA नंबर आपका कंज्यूमर नंबर की तरह एक नंबर होता है 8 to 10 कैरेक्टर का, वो यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा। मैं यहाँ पे अपना CA नंबर डाल रहा हूँ। CA नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कन्फर्म। अब यहाँ पे आपका CA नंबर होता है और इसके बाद यहाँ पे आपका नेम होता है, जिस व्यक्ति के नाम से कनेक्शन है उसका यहाँ पे नेम होता है, और इसके बाद आप किस मंथ का बिल जमा कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। टोटल यहाँ पे बिल लिखा हुआ होता है, आपका टोटल बिल इतना है, इसे ही हमें जमा करना है। तो इसे जमा करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप अपने फोनपे ऐप्स में UPI क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे ये ऑटो टिक हो जाता है। अगर आप अपने फोनपे ऐप्स को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किए हैं, UPI पिन नहीं क्रिएट किए हैं और आप चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड से जमा करना इस बिल को, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डेबिट कार्ड पे। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना होगा, अपना ATM का नंबर डालना होगा और इसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी मंथ डालना होगा और इसके बाद यहाँ पे ईयर, आपका ATM कब एक्सपायर हो रहा है यहाँ पे मंथ डालिएगा और इसके बाद ईयर। यहाँ पे एक नंबर होता है 3 अंक का, वो ATM के पीछे लिखा हुआ होता है, उसे ही हम CVV नंबर कहते हैं। वो यहाँ पे वो CVV नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ पे वो डिटेल को इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना ATM कार्ड नंबर डाला हूँ और इसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और इसके बाद यहाँ पे ईयर। यहाँ पे मैं अपना CVV नंबर डाला हूँ। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा पे बिल। अब यहाँ पे दोस्तों आपके फोन पे एक OPT आता है, जैसे मेरे फोन पे ये OPT आ चुका है और ये ऑटो फिलअप हो चुका है यहाँ से। और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरा बिजली बिल जमा भी हो चुका है, 289 रुपये मेरे पेड हो चुके हैं। यहाँ पे लिख रहा है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिल फॉर 289 हैज बीन पेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे इसका अगर डिटेल लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके इसका डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाता है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फ्यूचर में आपको कभी काम आ सकता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि फोनपे से कैसे बिजली का बिल जमा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।